आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को दोपहर 12 बजे भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। इस वर्ष 10 जून गुरुवार को दुनिया भर में शनि जयंती उत्सव मनाया गया। शनि जयंती के अवसर पर जूनी इंदौर ब्यासपला स्थित बाल शनिदेव मंदिर पर भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार कर यज्ञ अनुष्ठान सम्पन्न हुए। पंडित अमित ओम प्रकाश पौराणिक ने बताया कि शमीपत्रों के सहस्त्रार्चन के साथ तिल सरसों से शनिदेव का अभिषेक कर मंत्रोपचार के माध्यम से आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। शनिदेव की महादशा अंतरदशा एवं धैया वाले लोगों को आज के दिन पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज आयोजन के दौरान शनिदेव से संपूर्ण विश्व के कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना भी की गई। आज सभी वर्षों की है और पूरी ग्रहण भी है। 15 साल बाद ऐसा मौका भी आया है कि कई वर्षों बाद कि एक साथ 15 दिनों के अंदर ही सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण भी आया, तो क्या महत्व है इसका और आज किस प्रकार से उसको मनाया जा रहा है। विगत कुछ समय से भी शनिदेव जी मार्गी हो गए हैं, तो यूं भी शनिदेव जी का मार्गी होना कोरोना संक्रमण के जाने का सूचक है। शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की कृपा से कोरोना नामक संक्रमण बीमारी हटेगी। 2 सूर्य ग्रहण गए हैं उसका भी महत्व है, पर क्योंकि भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण नहीं दिखे थे इसलिए भारतवर्ष में ग्रहण का किसी प्रकार का न चंद्र ग्रहण का न सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव है। आज किस प्रकार का पूरा दिन भर उत्सव रहेगा मंदिर पर, पूरा क्या रीति रिवाज? शनिदेव जी जन्मोत्सव को लेकर बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर पर अत्यंत धूमधाम से आयोजन होते हैं, लेकिन विगत पिछले वर्ष और इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण शास्त्रोक्त विधि विधान से भक्तिभाव के साथ मंदिर परिवार के द्वारा भगवान का विधिवत पूजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल तेल से सुगंधित द्रव्य से एवं औषधियों से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शनिदेव जी का रुद्राभिषेक किया। तत्पश्चात 1000 पुष्पों से भगवान का अर्चन किया। दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, उसमें 108 दीपकों से महाआरती कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इंदौर में सिर्फ बाल शनिदेव मंदिर है, बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे भारतवर्ष में केवल जुनिंदौर और ब्यासपला में ही स्थापित है, इसके अलावा कहीं बाल स्वरूप में शनिदेव जी की स्थापना नहीं है। कितना प्राचीन मंदिर है शनिदेव जी का? मंदिर तो विगत शायद 30 वर्ष हो गए, पर हमारे यहाँ देवी माँ कालिका का मंदिर है जो 308 वर्ष प्राचीन है। मैं छठी पीढ़ी में भगवती की सेवा कर रहा हूँ और बाल स्वरूप में शनिदेव जी की प्रतिष्ठाएँ इसलिए की थी कि भगवती के सामने बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, पर बालक माँ के सामने हमेशा बालक ही रहते हैं, इसलिए कालिका माता के दरबार में बाल्य रूप में शनिदेव जी की स्थापना करी और शीघ्र अतिशीघ्र बाल्य रूप में भगवान जल्दी से प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के मनोरथों को